तो आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हमने एक ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट किया है, जो हम टीबी की दवाइयाँ टेरी में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डिलीवर करेंगे। और यहाँ से सामान भेजा गया है कि वहाँ से सैंपल, अगर कोई स्पूटम सैंपल है तो वो वापस आ सकता है। तो इस तरह का सिस्टम हम उत्तराखंड में डेवलप करना चाहते हैं, ताकि टीबी के मरीज़ों को दवाई मिलने की सुविधा हो सके, उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके ना आना पड़े, और उनके सैंपल्स, जैसे टीबी आपको मालूम है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, तो फैमिली, पूरी पूरी फैमिली में कई बार होती है, तो अगर एक मरीज़ है वहाँ पे, तो बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके सैंपल्स, स्पूटम सैंपल्स या जो भी सैंपल्स अवेलेबल हों। तो उसके लिए हम एक सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं। सिर्फ ड्रोन का उड़ जाना एक पूरी बात नहीं है, इसका मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस इज़ कि वो कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है, और कहाँ कहाँ जा पा रहा है, और सेफ़ है कि नहीं है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना उसका बहुत ज़रूरी रहेगा। ब्लड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे मरीज, बहुत सारे आहत व्यक्ति हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से ब्लड प्रोडक्ट्स जा सकती हैं इसमें। वैसे तो इसे यूज़ किया जा रहा है और देशों में, लेकिन हमारे कंट्री में एम्स में एक्चुअली ये पहला है जी। जितने भी एम्स हैं उनमें ये पहली बार ये किया गया है, और मुझे लगता है कि इसका एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो है ये 3 किलो उठा सकता है, लेकिन नए ड्रोन्स आ रहे हैं जो 200 किलो तक भी उठा पाएंगे, ऐसे हैं, और वो डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर तक ये जा सकता है। तो दूसरे भी ड्रोन्स ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर जा सकते हैं और 100 किलोमीटर का वज़न भी उठा के ले जा सकते हैं। कॉस्टिंग का तो अभी वर्कआउट कर रहे हैं, ये बड़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, सो उसमें हम कम से कम कॉस्ट में करना चाहेंगे।